राम राम भाई। सारे कैसे हो भाई? अब सारे बढ़िया हो गए भाई। उल्टा भाई अब चल रहे हैं, बस तेल नहीं है भाई मेरी बाइक में, तेल भी डलवाऊंगा उससे। स्टार्ट नहीं कर सकते आप तो, ये बसूड़ी है, इस चक्कर में हम उसको छोड़ रहे हैं। डिलीवरी व्यवस्था हो गई, जब डिलीवरी लेंगे तो एक मिठाई का डब्बा भी देंगे मुँह मीठा करवाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग अपने पैसे पे नहीं, पापा के पैसे पे स्कूटी लेने का कैसा फील कर रहे हो? राम राम भाई। सारे कैसे हो भाई? अब सारे बढ़िया हो गए भाई, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और बढ़िया टेंशन फ्री हो गए भाई। तो होप सारे बढ़िया हो गए एकदम। और भाई अभी हम ऑफिस से निकल चुके हैं और हम चलते हैं भाई सेक्टर 14 शोरूम में, एक एक्टिवा बुक कर रखी है, डिलीवरी लेनी है। तो मेरा एक दोस्त है, मैं नाम तो वहीं जाके क्लोज करूँगा। तो भाई उसने क्या किया, तो ठीक नहीं लग रहा था ऑफिस में तो छोड़े चला गया। एक मिनट तक उसने मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं रखा बंदे ने। मैंने इतने मैसेज करे भाई ऑफिस आ रहे हो नहीं आ रहे, या कॉल करे तो कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं था। आज सुबह बंदे ने मेरे को फ़ोन करके बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है और यहाँ चलना है। मैं चल तो भाई ठीक है, तो मैं एक बार उससे मिलूँगा भी और पूरा हिसाब भी लूँगा भाई, तूने मैसेज रिप्लाई नहीं दिए। तो चलो चलते हैं उसके पास, उठाते हैं उसको और उसके बाद पीटते हैं दबा दबकी। तो चलो भाई चलते सेक्टर 14 गणपति होंडा में, वहाँ से डिलीवरी लेते हैं और उसके बाद इसकी भी खैर नहीं आज तो, पहले पिक करते हैं उसको, उसके बाद मिलते हैं लोकेशन पे आपसे। कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, गर्मियों का मौसम शाम को बहुत बढ़िया होता है वाकई में। ये अपनी बुलेट है भाई, अब चल रहे हैं, बस तेल नहीं है भाई मेरी बाइक में, तेल भी डलवाऊंगा उससे। तो भाई ये रहा प्रमोद भाई, तुमने ये बताओ मेरे को बताया क्यों नहीं कि भाई तुमने ऑफिस छोड़ दिया या कुछ? और मैंने एक महीने तक लगातार तुम्हें मैसेज कॉल कर रहा हूँ, तुम रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। होली पे मैंने फ़ोन किया था, तब भी तुमने फ़ोन नहीं उठाया, ना ही कॉल बैक करा। बस भाई मेरा मन नहीं था यार, कुछ पर्सनल रीज़न थे उसी वजह से। अरे तो भाई मेरी बता देते कि नहीं जाऊँगा या को भी करूँगा। तुम्हें पता है ऑफिस में सबको ये लगता है कि मुझे पता है कि तुम छोड़ गए हो, और मैं उनको झूठ बोल रहा हूँ, बट लिटरली मुझे नहीं पता। तुमने मेरे को बताया ही नहीं था और ना ही तुमने मेरे कॉल के आंसर दिए भाई, मेरे को एटलीस्ट बता देना चाहिए था तुम्हें। चलो खैर वेल छोड़ो, जो था मैं उसमें नहीं घुसूंगा भाई। तुमने क्यों छोड़ा या क्यों नहीं आया फ़ोन का मैसेज, वो तुम्हारा पर्सनल है, मैं उसमें ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व हो सकता। बाकी ये मेरा पर्सनल है भाई, ब्लॉग बनाना, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ ब्लॉग बनाता हूँ। ये मेरा दोस्त है इसलिए इसके साथ जा रहा हूँ, और ब्लॉग बना रहे हैं भाई, सीधी बात यह है। तो देखते रहो, लाइक ठोकते रहो, सब्सक्राइब करते रहो भाई। चलो आगे चलते हैं फिर शोरूम पे। पहुँच गए हम बढ़िया अपने शोरूम पे, और अब जा रहे हैं शोरूम के अंदर हुर्रे करने। क्या नाम था उसका जो कल विजय भाई, करवा दो डिलीवरी, करवा दो सारी डिलीवरी। फिर डॉक्यूमेंट दो ना, डॉक्यूमेंट दे दो भाई को। तो भाई पहुंच गए अपना शोरूम में, बढ़िया अब डिलीवरी लेके चलते हैं घर। फोन पे ही कितना टाइम लगेगा यहाँ, कितना टाइम लग जाएगा? एक घंटा भाई, कह रहे साथ भाई, जो भी करना परली साइड जाकर चल बाकी आता है। तो भाई हम निकल जाएंगे, 40 मिनट में फ्री हो लेंगे भाई के हिसाब से, और उसके बाद देखते हैं इसको रगड़ूंगा पहले मेरी बाइक में, बुलेट में, बुलेट की टंकी फुल करवाएगा ये, और उसके बाद कुछ खिलाएगा, तब इसकी एक्टिवा दूंगा इसको, अदरवाइज मैं अपने घर ले जाऊंगा एक्टिवा। भाई यार वो वाला मॉडल कितने का है, टॉप मॉडल जो अलॉय व्हील वाला है? तो भाई हमने पसंद करी थी एक्टिवा 6G है ना, कौन सी है, हाई एच स्मार्ट करके, पर वो बता रहे हैं उसमें है ना, मतलब टॉप मॉडल तो है वो, 3000 का फ़र्क है, बट दिक्कत ये है कि 3000 में उसमें किक नहीं है, टॉप मॉडल है, की वाली की चाबी है उसमें, ऑटोमेटिक गाड़ियों में आती है ना कीलेस ऐसा टाइप का। पर उसकी एक दिक्कत है कि अगर बैटरी ख़त्म होगी तो फिर आपको सर्विस सेंटर पर लानी पड़ेगी, कोई किक मार के स्टार्ट नहीं कर सकते आप। तो ये बसूड़ी है, इस चक्कर में हम उसको छोड़ रहे हैं। मैं दिखाता हूँ बाकी मॉडल कैसा लग रहा है, देखो ब्लू कलर में बहुत प्यारा लग रहा है। ये वाली एक्टिवा है भाई, ये पसंद आई थी हमें, और ये रही एक्टिवा एच, मतलब ये सारी सेम मॉडल, बस कलर का फ़र्क है। एक्टिवा एच इसमें अलॉय व्हील आ रहे हैं और उसमें भी अलॉय व्हील है, तो वो मैट ब्लू है करके कुछ है कलर, वो बढ़िया लग रही है इस अलॉय व्हील पे, तो हमें तो अच्छी लग रही थी, लेकिन बस दिक्कत ये है कि किक की वजह से हमने इसको होल्ड कर दिया। तो हम लेंगे सेकेंड टॉप मॉडल लेंगे भाई, और डॉक्यूमेंट वगैरह दे दिए अपने, प्रोसेस के अंदर है। अब आधे घंटे में भाई हमें फ्री कर देंगे, पेमेंट बस करनी है। कल हम 50,000 रुपये दे के चले गए थे,
और 40,000 रुपये आप पे कर देंगे। एक्टिवा पे तो भाई मेरे को फुल भरोसा है, क्योंकि मैंने भाई स्कूल टाइम से एक्टिवा चलाई थी अपने दोस्तों की, मेरी नहीं। तो बढ़िया ब्रांड है होंडा और एक्टिवा भी अच्छी स्कूटी है उनकी, स्कूटर। तो अभी डाउट तो कुछ नहीं है हमें, बाकी एक बार चला के देखते हैं कि कितनी रिफाइन हुई है अभी आगे पहले से। अभी नहीं, जब ले लेंगे तब चला के देखेंगे, उसका एक ऑन रिव्यू बनाएंगे बढ़िया मस्त, कैसी चल रही है, माइलेज कितनी दे रही है, इस इंजन में क्या फ़र्क है BS6 में और कितनी बढ़िया चल रही है, नए फीचर्स क्या क्या है इसके अंदर। फीचर्स तो क्या ही है, कुछ नहीं है, सिंपल है। अभी पहले हैंड ओवर ले लेते हैं, उसके बाद डिलीवरी लेके अपने घर चलते हैं, फिर संडे को देखेंगे बढ़िया एक रिव्यू बनाएंगे फुल चलाने के बाद इसको। चलो अभी करवा लेते हैं, प्रोसेस में दिखाता हूँ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बीच में, अभी वो भाई हैं प्रिंट आउट लेने वगैरह तो दिखाते हैं बीच में। भाई देखो प्रमोद के नाम पे है, कल हमने 50,000 ये रहा, 50,000 ओनली, 50,000 रुपये कल पे कर दिए थे, पेड का ये रहा सिंबल 50,000 रुपीज़, बाकी अभी 42,000 रुपये बाकी हैं, वो अभी हम दे के करवाते हैं डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। भाई आ गए हैं तो प्रोसेस कर रहे हैं बस, अब 40-50 मिनट लगेगी, फ्री होके फिर चलेंगे अपने। तो भाई बस चाय पानी आ रही है, हमारे लिए चाय पानी मंगाया और नाश्ता ही मंगाया अभी से, 50,000 रुपये दिए कल, 40,000 रुपये अभी दे दिए, 42,000 रुपये हम भाई नाश्ता पानी मंगवाया तेरे लिए, नाश्ता कर लिया कर लिया तूने, मेरे हल्दीराम की थाली मंगवाई, एक मोजिटो मंगवाया बढ़िया, और उसके बाद कर दिया था ना मैं आ रहा हूँ, जब डिलीवरी लेंगे तो एक मिठाई का डब्बा भी देंगे मुँह मीठा करवाने के लिए, ठीक है, तो आप लोग को भी खिलाऊंगा बढ़िया। लेकिन एक खुशी होगी यार मेरे, क्या बताऊँ आप छोटा कर जाए, कभी और बताऊँ दूसरे वीडियो में। भाई रहा गाड़ी बच्चों का 16 साल तक का है चलाने का सिस्टम, मैंने तो पूछी भाई हमारे लिए दे दो, हमें नहीं दिया बंदे ने, बोला गाड़ी लेने आओ तो बच्चों को लेके आओ छोटी छोटी, कम से कम पैसा वसूल करो, पैसा वसूल कर लेंगे, ये टीवी लगी चलाते नहीं है, बिजली का बिल, हाँ बिजली का बिल आ जाएगा, टीवी बंद कर रखी है, एसी भी बस लगा दिखाने में इतना चला नहीं रहे भाई। तो प्रमोद फाइनली एक अपने पैसे पे नहीं पापा के पैसे पे स्कूटी लेने का कैसा फील कर रहे हो? कमाई नहीं है कैसा फील कर रहे हो तुम? फील क्या, लेकिन मेरे भी कुछ गया है, मेरे भी नहीं है वो भी क्रेडिट कार्ड, पापा के पैसे पे चल रहे हो। लो भाई कर दिया भाई ने चढ़ाई शुरू कर दी, भाई आज पहली तरक्की है भाई की, अपने पापा के पैसे पे पहली स्कूटी ली इसने, नहीं गाड़ी, कितना खुश है पापा के पैसे पे मतलब लेके, अब शर्म नहीं आ रही क्या बिल्कुल भी, पापा के पैसे कौन लेता बे? कुछ पैसा मैंने भी बनाया से थोड़ी, अरे झूठ मत बोल, झूठे मक्कार फरेब, क्रेडिट वाले पैसे किसके? चलो भाई डॉक्यूमेंट साइन कर दिए बस, अब डिलीवरी लेनी बाकी है भाई, इसके बाद डिलीवरी मिल जाएगी, टेंपरेरी नंबर आ जाएगा आपका 10 मिनट। तो चाय पानी क्या मंगवाया, हल्दीराम से कुछ मंगवा रहे हो? चलो भाई अब बुरा मत माना यार, मजाक चल रहा है बस। चलो भाई प्रमोद पापा के पैसे स्कूटी लेके कितना बड़े लग रहा भाई, स्कूटी ले ली भाई ने, लाइफ की पहली चढ़ाई है भाई को, मैं नहीं, मैं ब्रो ये खुशी देखो कितना खुश है चढ़ाई देख के, ब्रो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, लेकिन पार्टी कब दे रहा है, बिना पार्टी के स्कूटी नहीं ले जाने दूंगा, एक फीचर समझ लो, अभी बुलेट भी लेनी है लोंडे को। तो भाई खुशी देख रहे हो लोंडे की, फाइनली हैंड ओवर ले लिया इसने और पापा के पैसे पे बढ़िया पहली सवारी पापा की पैसे की, खैर बचपन से ही कर रहा है पापा की पैसे की सवारी। तो भाई स्टार्ट कर, अब नीचे मार धक्का, तेल डलवा दिया 4 लीटर और क्या चाहिए, अब 4 लीटर फिर कितने लीटर डाला है, चलो भाई अपनी बुलेट तो वहाँ खड़ी है परली साइड गाड़ी के पास, आजा फिर मैं बुलेट निकाल रहा हूँ भाई, अपना तो सिस्टम ही हो खड़ा, ये खड़ा अपना सिद्धू आया ही, अभी ये 14 गेट है यहाँ से अपन निकले, घर की साइड बहुत जाम मिलेगा इस टाइम, देख रहे हो जाम, देख रहे हो जाम ही जाम है भाई, चल लेंगे निकल रहा हूँ, मैं एक एग रोल खाया क्योंकि तो मेरा तो पेट ऑलरेडी भरा हुआ था और मैं इसका खर्चा करवाना भी नहीं चाहता, और अभी आइसक्रीम खा रहे हैं और घर चल रहे हैं, बाकी संडे को इसको बढ़िया दबा के, मतलब जिस दिन मेरा चीट डे है ना उस दिन बढ़िया खाऊंगा दबा के, परमो संडे को मिलियो भाई,
फोन उठा लेगा ना, मैसेज का रिप्लाई दे देगा ना, एक ऐसा तो नहीं एक महीने बाद। एक ये वाले ले ले। है भाई वो वाले खत्म हो गए, एक ये भाई आइसक्रीम बनी खाते हैं। करते पेमेंट नहीं करना भाई, वो वेट कर रहा अगला। ये भाई है सेक्टर 14 में, इसकी दुकान पे भी आके आइसक्रीम खा सकते हो। पैसे वैसे देखो डिस्काउंट नहीं है, लेकिन भाई ये बिक्री हो जाएगी बस ये, और बढ़िया टेस्ट है। अभी तो मैंने खाया नहीं है ये बता रहा, पर वो तो भाई चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, वीडियो को देखते रहो, लाइक करते रहो, सब चैनल सब्सक्राइब करते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। खैर किसान तो हम भी हैं यार।